मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बुक फ्लेमिंगो में से सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसे लिखा है अनीस चुंग ने। अनीस चुंग जो है बहुत ही फेमस राइटर हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी जाना इनके बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में इन्होंने दो बच्चों की बात की है, साहिबे आलम जो कि एक रैग पिकर है, और दूसरा बच्चा मुकेश, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी टैगलाइन है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा, यानी कि जैसा उसके मन में है वो ही करेगा। और उसके मन में क्या है, वो कार चलाना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या बनना चाहता है वो, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने उससे पूछा। मैंने कौन, लेखिका जो अनीस जुंग है हमारी, वो कहती है कि क्या तुम कार्स के बारे में, कारों के बारे में कुछ जानते भी हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज, मेरी आंखों में बिल्कुल सीधे सीधे आत्मविश्वास के साथ देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसका जो ये सपना है, सपना क्या, मोटर मैकेनिक बनने का, वो एक फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, फिरोजाबाद जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, उसकी धूल भरी गलियों में एक मृग मृचिका की तरह है, एक भ्रम की तरह है जो पूरा होने वाला नहीं है। क्यों पूरा नहीं हो सकता, इसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं जिसके बारे में अभी हम जानते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार जो है चूड़ी बनाने में एंगेज है, लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसिस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स। ऐसा लगता है कि पूरी धरती की औरतों के लिए यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि जो ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, कांच का जो सारी इंडस्ट्री है वो फिरोजाबाद में ही है, जहाँ पे जो परिवार हैं, परिवारों के जो परिवार हैं, अपनी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बिता देते हैं भट्टी के चारों ओर कांच को जोड़ते हुए। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरी धरती की औरतों के लिए यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. मुकेश का परिवार भी इन चूड़ी बनाने वालों में से एक है, और उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये इलीगल है, ये जो काम है बच्चों के लिए उसके जैसे, यानी कि मुकेश जैसे बच्चों के लिए ये काम इलीगल है। कौन सा काम, काम ये कि ग्लास फर्नेसेस, इतने हाई टेम्परेचर में इतनी छोटे उम्र के बच्चों का बैठना इन डिंजी सेल्स में, बंद कोठरियों में, जहाँ पे ना एयर है ना जहाँ पे लाइट है, यानी कि बिना हवा और बिना रोशनी के, अगर कानून, लॉ मतलब कानून, अगर कानून इन्फोर्स कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, तो ये जो 20,000 बच्चे ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, भट्टी के चारों ओर वो सारा दिन बैठते हैं, डे लाइट आवर्स में मेहनत करते हैं, और प्रायकर जो अपनी आईज की रोशनी भी खो देते हैं, उनको छुड़ाया जा सकता है। यानी कि अगर हम कानून की बात करें, कानून लागू, जैसा कि भारत में कानून है कि 14 साल से जो उम्र से नीचे वाले बच्चे हैं उनसे हम फिजिकल वर्क नहीं करवा सकते, तो ये 20,000 बच्चों को इन फर्नेसेस से, इन भट्टियों से छुड़ाया जा सकता है, समझे आप। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक जाती हैं जब मुझे वो वॉलेंटियर्स मतलब अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले जाना चाहता है, मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और जिसे वो बड़े गर्व से कहता है कि ये अभी अभी हमने रीबिल्ट करवाया है, दोबारा बनवाया है।
ओके, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वर्बली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट. वो जा रहे हैं मुकेश के घर पे, तो वो कह रहे हैं कि हम स्टिंकिंग लेन्स में से, मतलब बदबूदार गलियों में से, जो कि गार्बेज से चौकड़ थी, कचरे से भरी हुई थी, और उन घरों के आगे से गुजरे जो टूटी फूटी झोपड़ियाँ सी थी, क्रम्बिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारों के साथ में, वॉबली डोर्स यानी कि डगमगाते हुए दरवाजे थे, कोई उनके खिड़कियाँ नहीं थी, और वो घर भरे, वो झोंपड़ियाँ जो थी वो भरे हुए थे, जहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि इंसान और आदमी दोनों एक साथ रह रहे थे, जैसे कि आदि काल में रहते थे. ठीक है, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउसेज. वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाते हैं. बैंग से वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट. जो मुकेश है वो अपने पैर से उस लड़खड़ाते हुए लोहे के दरवाजे को बैंग करता है अपने पैर से एंड पुशेज इट ओपन, और खोलने के लिए धकेलता है. वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम एक आधी बनी हुई झोंपड़ी में एंटर कर जाते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ट विथ डेड ग्रास, इसके एक हिस्से में जो कि एक सूखी घास से ढका हुआ है, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विथ सीट से लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनक लीव्स, जहाँ पे एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है जिस पे एक बड़ा सारा बर्तन रखा हुआ है जिसमें स्पिनक लीव्स पालक की पत्तियाँ जो हैं सीजलिंग हो रही है, यानी कि उबल रही हैं. ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, एक बड़ी बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट्स पड़ी हैं और जिसपे और कुछ कटी हुई सब्जियाँ भी पड़ी हैं. ओके, क्लियर. A frail young woman is cooking the evening meal. एक पतली दुबली सी यंग वुमेन जो है वो शाम का खाना पका रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक्स शी स्माइल्स, यद्यपि उसकी आंखें जैसे लकड़ी वाले चूल्हा जला रही है ना, तो उसकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी हुई हैं, फिर भी वो मुस्कुराती है. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच एल्डर ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू के पद का जो है सम्मान मिलना शुरू हो गया है. द डॉटर इन लॉ यानी कि डॉटर इन लॉ है वो घर की, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, उस पर तीन आदमियों की जिम्मेदारी है. कौन कौन से आदमियों की जिम्मेदारी है? हर हस्बैंड, उसके पति की, मुकेश की और उनके पापा की. ठीक है, व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब ये बड़ा आदमी प्रवेश करता है उस झोंपड़ी में, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती है. एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना जो घूंघट है वो अपने चेहरे पर ले आती है. एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो बहुओं को अपना चेहरा घूंघट से ढकना पड़ता है जब कोई बड़ा मेल एल्डर आ जाए, बड़ा कोई पुरुष आ जाए घर का. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ट बैंगल मेकर, इस केस में यहाँ पे जो बड़ा है वो बहुत ही गरीब है, कंगाल है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों के हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उन्होंने टेलर का काम किया यानी कि दर्जी का काम किया, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने का काम किया. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, और वो फेल हो गए, वो इतना फेल हो गए कि वो अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवा पाए. वो फेल हो गए सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, कि वो अपने दो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, जो भी उन्होंने मैनेज किया वो ये था कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को सिखा दिया. क्या सिखा दिया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों को विरासत में क्या दी? चूड़ी बनाने की कला दे दी. ठीक है, यहाँ पे उनकी गरीबी का वर्णन किया गया है कि वो कितने गरीब थे और वो कैसे रहते थे. इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. मुकेश की दादी कहती हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है. किससे अंधा होते देखा है? चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है उसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है. और वो ये कहती हैं कि ये उसके कर्म है, उसका भाग्य है, ये तो नियति है. कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर द्वारा
प्रदत्त जो ये विरासत है इसे तोड़ा जा सकता है, परंपरा को तोड़ा जा सकता है, शी इम्प्लाइज, वो क्लियर करती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वो रीज़न क्या देती है कि हम एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं, कैसी जाति में, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और वे कुछ नहीं देखते, सिर्फ क्या देखते हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ। इन द हाउस, घर में चूड़ियाँ, यार्ड में चूड़ियाँ, यानी कि जो आंगन होता है वो, उसमें, इन एवरी अदर प्लेस, किसी भी दूसरी जगह पे सिर्फ चूड़ियाँ ही देखते हैं, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियाँ ही देखते हैं, क्योंकि हम चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हुए हैं, तो ये तो हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है ये तो, ठीक है। स्पायरल्स ऑफ, स्पायरल्स क्या होता है, एक गुच्छा होता है, ठीक है, माला के टाइप में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। चूड़ी के जो स्पायरल्स हैं, जो गुच्छे बने हुए हैं, वो गोल्डन, पैडी ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, पिंक, पर्पल और सेवन कलर्स, रेनबो कलर्स भी हैं, सातों रंग। अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड यार्ड्स क्या होते हैं, बिना साफ सुथरे जो यार्ड्स होते हैं आंगन में पड़े रहते हैं, ठीक है, यानी कि बिना संवारे वो यार्ड्स में पड़े रहते हैं, गुच्छे के गुच्छे, विदाउट मैनेज्ड वो पड़े रहते हैं, और आर पाइल्ड, उनको क्या किया जाता है, फोर व्हील्ड जो रेडी होती है ना, ठेले जो देखते हो आप, उस पर ढेर के ढेर रख दिए जाते हैं, और जो इन रेडियों को पुश किया जाता है नौजवानों के द्वारा, यंग मैन के द्वारा, नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, इस झोंपड़ी नुमा जो शहर है इसकी गलियों में, जो नैरो सिकुड़ी सिकुड़ी सी जो छोटी छोटी सी गलियों में से गुजारा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और इन अंधेरी झोंपड़ियों में टिमटिमाते हुए तेल के जो लैम्प होते हैं उनकी जो फ्लेम्स होती हैं, उन फ्लेम होती है जो लपट होती है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं अपने मम्मी और पापा, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं और रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए उसे चूड़ी का आकार देते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी जो आंखें हैं, इनकी, इन लोगों की जो आंखें हैं, फिरोजाबाद में काम करने वाले जो ये लेबरर्स हैं, उनकी आंखें बाहर की लाइट से ज़्यादा, अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं, यानी कि इन्हें अब अंधेरा ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय की लाइट के, क्योंकि दे आर यूज टू सिट इन एवरी टाइम इन डार्कनेस, कि दिन में तो इन्हें वो कोठरियों में बैठना ही पड़ता है और रात को वैसे अंधेरा हो ही जाता है ना, तो इस वजह से इनकी जो आइज़ हैं वो अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और यही कारण है कि इन लोगों की जो आँखें हैं अडल्ट होने से पहले ही आईसाइट जो है इनकी खो जाती है, इनकी नज़र चली जाती है। क्या सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। सविता एक छोटी सी लड़की है जो कि ड्रैप पिंक यानी कि डल सी पिंक कलर की ड्रेस में बैठी है, एक एल्डरली वुमेन के साथ में एक बड़ी बुजुर्ग औरत बैठी है और जो कि कांच के टुकड़ों को रिपेयर कर रही है, मरम्मत कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंक्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ जो है ना बिल्कुल यूँ ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, बिकॉज वो अभ्यस्त हो गई है, उसे पूरी तरह से प्रैक्टिस हो गई है इन कांच के टुकड़ों के मरम्मत करने की। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक्स, मुझे हैरानी होती है कि क्या उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता भी है जिसको वो बना रही है, जिसको वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये जो चूड़ियाँ हैं ये प्रतीक हैं भारतीय वुमेन्स के सुहाग का, भारतीय औरतों के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज और शादियों में ये शुभ शगुन मानी जाती हैं, ठीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड बॉल, उसे पता लग जाएगा अचानक से एक दिन जब उसके सिर पर लाल रंग का दुपट्टा उड़ा दिया जाएगा, घूंघट उड़ा दिया जाएगा और उसके हाथ जो है डाइड रेड विद हिना से यानी कि मेहंदी से रंग दिए जाएंगे, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में, उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ा दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और फिर वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जिस
उसी औरत की तरह जो उसके साथ एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी, वो भी इस तरह से बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल्स हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उसके हाथों में अभी भी, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियाँ हैं बट उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, यानी कि वो बहुत उदासी से कहती है कि हमने कभी एक शेर यानी भर पेट भर के कभी खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी पेट भरकर अच्छा सा खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, ये वही था जो उसने बोया, उसने यही कमाया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उसके हस्बैंड जिसकी एक फ्लोइंग बियर्ड है यानी कि लहराती हुई बड़ी सी दाढ़ी है, वो कहते हैं कि मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं जानता और मैंने अपने पूरे जीवन में जो किया वो ये किया कि मैं अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया जिसमें हम रहते हैं, यही उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसको सुनते हुए किसी को भी हैरानी हो सकती है पर कि इसने पूरे लाइफ टाइम में ये अचीव कर लिया, और बहुत सारे लोग हैं जो ये भी नहीं कर पाते, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरी लाइफ में इतनी मेहनत करके घर भी नहीं बना पाते। He has a roof over his head, उनके ऊपर सिर के ऊपर एक छत थी, यानी कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और आप देख रहे हैं घर भी कैसा था, झोपड़ी नुमा है ना, इतनी गरीबी थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, जो एक रोने की आवाज़ है कि उनके पास पैसा नहीं था कि वो बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सके। मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अगर चाहें भी कि हम बैंगल्स बनाने के अलावा कोई दूसरा और काम करें तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि पैसा नहीं था और ना ही उनके पास खाने को पर्याप्त था। और ये जो उदासी की जो आवाज़ थी, ये जो रोने की आवाज़ थी, ये हर घर में थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा लोग थे वो रिपीट करते थे बड़ों का रोना, यानी कि जो बड़े लोग जिस बात को रोते रहते थे, छोटे लोग भी, आने वाली जो पीढ़ी थी वो भी इसी बात को इको करती थी, वही गूंजती थी आवाज़ें। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। माइंड नंबिंग टॉयल होता है दिमाग को सुन कर देने वाला परिश्रम, यानी कि वो इतनी कठिन मेहनत करते थे जिससे दिमाग सुन हो जाए, इसकी वजह से उनकी सारी इनिशिएटिव यानी कुछ नया करने की, कुछ सपने देखने की जो उनमें योग्यता थी वो भी खत्म हो गई थी, वो भी मर गई थी। ठीक है, तो अब उनसे लेखिका कहती है, Why not organize yourself into a cooperative? तुम लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा, नौजवानों के एक दल था जो कि मिडिल मैन होते हैं बिचौलिए। बिचौलिए कौन होते हैं बच्चों? जो लोग होते हैं और जो इन गरीबों को कर्ज दे देते हैं और उस कर्ज के बदले में कुछ चीज़ें गिरवी रख लेते हैं, और वो ये लोग जो हैं कर्ज पूरा नहीं कर पाते और उसकी एवज में इन लोगों को एक तरह से बंधुआ मजदूरी करनी पड़ जाती है, उनकी उनके लिए सारा काम करना पड़ता है। तो उनके जो फादर्स थे और उनके जो और पूर्वज थे वो इन मिडिल मैन के जाल में फंसे हुए थे, इन बिचौलियों के जाल में फंसे हुए थे। Even if we get organized, तो वो young men जो हैं उनमें वो कहते हैं कि अगर हम organized हो भी जाएं, अगर हम संगठित हो भी जाएं, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. वो कहते हैं कि हमें ही पुलिस के द्वारा ले जा, hold up होता है taken away, उन्हें ले जाया जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा कुछ illegal करने के लिए। हालांकि उन्होंने कुछ illegal अवैध काम किया नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ ही उठाई होती है, लेकिन इसको भी illegal माना जाता है। They say there is no leader among them. वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी लीडर नहीं है। No one who could help them seeing things different
डिफरेंटली, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ों को डिफरेंटली कुछ अलग से देख पाए। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता लोग हैं, फादर्स हैं, वो भी थक गए हैं जितने कि वो थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनके जो फादर्स हैं वो भी थक गए हैं और वो एंडलेसली अंतहीन बातें करते हैं, इन स्पायरल गोल गोल बातें करते हैं जो कि मूव करती हैं पॉवर्टी से एपैथी से, एपैथी से ग्रीड से, और ग्रीड से इनजस्टिस से। यानी कि गरीबी तो है ही, और जब बंदा गरीब होता है उसे किसी भी दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनमें उदासीनता आ जाती है, वो चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं कि ठीक है जैसा हो, क्योंकि उनमें पावर नहीं है, है ना, तो इसलिए वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर उनमें लालच भी आता है क्योंकि थोड़ा सा भी मिल जाए तो और पालें, और फिर इस तरह से इनजस्टिस बढ़ता जाता है। तो दिस इज़ ए विशियस सर्कल। ओके, लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, इन्हें सुनते हुए मैं दो तरह के अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। एक तरफ तो वो परिवार है जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और जिन पर चूड़ी बनाने वाली जाति का बर्डन है, बोझ है, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल, दूसरी तरफ एक विशियस सर्कल है साहूकारों का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ का, कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो ऑफिसर्स लोग हैं उनका, पॉलिटिशियंस नेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन दोनों संसारों ने मिलकर, यानी कि एक तो चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हो जाना और दूसरा ये जो लोग हैं, पुलिस है, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन दो सब ने मिलकर बच्चों पर एक बोझ लाद दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता है। वो बोझ क्या है कि हमें चूड़ी बनाने ही पड़ेगी, इस काम का बोझ और नहीं सोच पाने का बोझ। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इससे पहले कि वो सचेत हों वे इसे स्वीकार कर लेते हैं जैसा उनके फादर लोग ने नेचुरली इसे स्वीकार कर लिया होता है, है ना, कि ठीक है हमारे पापा लोगों ने भी यही किया और वो यही काम देखते देखते बड़े होते हैं और वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनमें उनके दिमाग में कुछ नई इनोवेटिव आइडिया आते ही नहीं हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करना मतलब कि हिम्मत का काम करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन जब मैं मुकेश में ये सेंस देखती हूँ हिम्मत वाला कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, बड़ी वो विल पावर से कहता है, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, वो गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, तो ही इंसिस्ट, लेकिन गैराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से, तो कहता कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा, और बहुत मजबूती से कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हारा सपना है कि तुम प्लेन भी उड़ाओ, हवाई जहाज उड़ाओ। ही इज सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड जमीन पर घूरते हुए बोलता है। इन इट्स स्मॉल मर्मर देर इज एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसके धीरे धीरे बोलने में एक थोड़ा शर्म सी थी और जो कि अभी पछतावे में नहीं चेंज हुई थी, मतलब उसे कोई पछतावा नहीं था जब वो ये कह रहा था कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो संतुष्ट था कारों का सपना देखकर ही। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और उन कारों को उसने अपने शहर में घूमते हुए देखा था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद में नाम मात्र के, यानी कि ना के बराबर ही एयरप्लेन उड़ते थे। एयरप्लेन उसने देखे नहीं थे, उसलिए उसने सपना भी नहीं देखा था। इसका जो होमवर्क है बच्चों, ये है, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद जो फेमस है वो किस चीज़ के लिए था, किसकी वजह से जो है फिरोजाबाद फेमस था। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, आप ग्लास बैंगल चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में काम करने से जो नुकसान थे उसके बारे में बताइए, आपको ये होमवर्क करना है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश का जो एटीट्यूड है उनकी उसकी फैमिली से कैसे डिफरेंट था, क्योंकि मुकेश की दादी तो यही कहती है कि यही करना था, यही नियति है, ऐसा ही करना पड़ेगा, हम जो वंश की परंपरा को तोड़ नहीं सकते। लेकिन मुकेश क्या कहता था, नहीं मैं चूड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू बच्चों।